हम अपनी ज़िंदगी से भले खुश हो ना हो, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी ज़िंदगी के लिए तरसते हैं। मैं आपके सामने लाऊंगी कुछ खूबसूरत बातें और दिखाऊंगी कुछ मुश्किलात जिनके बाद मिली बहुत सारी खुशियाँ। सो वेलकम बैक टू द एनी खान शो। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे। सो आप कहेंगे कि ये कोई बीमारी है, इसको बीमारी कहेंगे, इसका क्या नाम देंगे? बीमारी तो कहना मेरे को लगता है कि मोर एक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें हम हर सिचुएशन में हर एक इंसान है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, एडजस्ट करता है। कईयों के लिए उसमें जो मदर बनना है वो एडजस्टमेंट ईजियर है, एंड फॉर कईयों को उसमें थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। अगर फैमिली सपोर्ट और हस्बैंड सपोर्ट हो तो आप ये फेज को क्रॉस कर सकते हो, जिसमें यू कैन एंजॉय बीइंग अ मॉम। दैट्स राइट। सो आप और जो चीज़ें मॉम को पसंद है, मतलब उसका पूरा वर्ल्ड ख़त्म नहीं हो जाता बेबी हुआ है, तो ये चीज़ें भी लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसकी कुछ अच्छी हॉबीज हो सकती हैं तो उस हॉबी को वो कंटिन्यू करना चाहिए। इफ़ मॉम वांट्स टू वर्क, जैसे वर्क प्लेस से उन्होंने कुछ दिन ऑफ लिया है, मॉम हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि दे विल नॉट गो बैक टू वर्क। सो फैमिली शुड सपोर्ट इन दैट केस ऑल्सो। दैट्स राइट। और आई थिंक फिजिकली एक्टिव रहना भी जरूरी है मॉम्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल से कि इफ़ यू आर फिजिकली एक्टिव योर नेगेटिव एनर्जी इज गेटिंग आउट फिजिकली। आई थिंक दीज थिंग्स हमें थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है फीमेल्स को भी, कि वो अवेयर रहें, एंड सोसाइटी का कल्चर ऐसा बनाना होगा कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकें। नई डिस्कशन हो रहा है, चीज़ें नई बाहर आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। दैट्स राइट। I think अगर देखा जाए तो as you said 15-20% people suffer from that. That is like 1 in 5 women would be suffering from that. This is very very common. So anticipation is very important. As a physician, I think they need to think कि अगली जो औरत है 1 in 5 would could be suffering from that. और जैसे तुमने बोला कि support system is very important. So every level of support is important. The husband or your mother, your father, or kids. I think every level of support is important. That's right. जैसे मैं अपनी किताब का एक वो कहता हूँ कि you are the most important person in your life and you have right to be happy. So I think mother herself, she give herself time and she should do things what makes her feel good. That's why it's very important कि थोड़ा सा time आप अपने लिए भी निकालें along with the child. And थोड़ा सा everybody needs a break once in a while. अगर आपको नहीं मिल रहा है टाइम तो देन यू शुड आस्क योर फैमिली मेंबर्स टू हेल्प यू। हम इस कल्चर में, हमारे कल्चर में आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ गुड साइन, राइट? या यू आर सपोज टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, बट आई थिंक हमको ये चेंज करना है कि आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। यू कैन हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा ईजी भी होता है। आई पर्सनली फील वहाँ पे यू गेट हेल्प, यू कैन हायर मेड्स, एंड यू नो घर वाले भी थोड़े सपोर्टिव होते हैं। आई डोंट नो, I guess it's not the case with everybody, but for the most part, I think thoda easy hota hai. But here, I think it's a little more difficult, thoda challenging hai. You don't get a lot of help. That's right. Plus, a lot of ladies are working here, to which makes it even more difficult. And then in that scenario, gharwalon ko kafi supportive hona padta. आई थिंक आई फील कि हमारे जो है खासतौर पर हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में मैं ज़्यादातर इस तरह का देखती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ होती हैं, ज़्यादातर जब वो उनके बच्चे होते हैं और वो ऑलरेडी जब दूसरी कंट्रीज से आई होती हैं तो वो ऑलरेडी इस चीज़ों में इतनी सारी चीज़ों से डील कर रही होती हैं कि हमें पूरी तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई उज़्मा जब आप? So when I had my first child, I was in Pakistan at that time, and it was easier for me because help the maids, the you know, ghar wale the, support system acha tha. But I think when I moved here, things became a little more challenging. Obviously, meri beti jo thi, she grew up, thodi badi ho gayi thi, but still har ek activities ko manage karna, you know, taking her to school, picking her up, make sure she's doing her after school activities. I mean, it's just extra burden. Saath mein ghar ke bhi sare aapko kaam karne padte hain. Yeah. It's not like you have a lot of help. The most that somebody can come in is once in a week and come and, you know, help you out. That's right. But, you know, overall, bande ko khud koshish karni chahiye, I think, you know. Yeah. Khud bhi initiative lena chahiye to make your life better instead of going into depression. Do you think कि हमारी जो यहाँ पर लेडीज़ होती हैं उनके काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि इवन बैक होम हमारी लेडीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ की लेडीज़ काम करती हैं, वो काम भी बाहर का भी काम संभाल रही होती हैं, घर का भी संभाल रही होती हैं, उसके बाद बच्चे भी, और बहुत डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है।
Yeah. And I think in that scenario, your husband has to be very supportive. That's because, right. You know, a lot of husbands here feel okay, oh, you know, if I'm working, then main ghar ka kuch nahi kar raha, you know. But at the same time, you have to realize that the woman is also working. Wo bhi kaam kar rahi hai. So, wo ghar ka bhi aake dekh rahi hai. So, in that case, thodi help kar de apni wife ki. Thode, you know, chores ko divide kar de. And thoda wo bhi baby ko dekh le, you know. It becomes more, it's easier. Yeah. यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी, आप रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देते हैं, तो आप इस पर क्या क्या बोलेंगे कि हस्बैंड को किस तरह से सपोर्टिव होना चाहिए? तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हस्बैंड को सपोर्टिव होना चाहिए. डेफिनेटली आई थिंक लिविंग इन दिस कम्युनिटी इन दिस प्रेशर जो है, स्ट्रेस है, वो हर एक के ऊपर होता है, नॉट जस्ट द वुमेन बट हस्बैंड के ऊपर भी होता है. तो आई थिंक दिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हस्बैंड कहाँ से आ रहा है, किस पे है, क्या काम कर रहा है, यू नो. तो आई थिंक द सपोर्ट इज नॉट जस्ट फॉर द वुमेन, इज आल्सो फॉर द हस्बैंड. एंड अगर हस्बैंड को सपोर्ट मिलती है, आई थिंक ही कैन गिव द सपोर्ट बैक आल्सो. दैट्स गुड. सो आप डॉक्टर मैन, आप क्या कहेंगी, आपको किस तरह की जो है पेशेंट आप ऑफकोर्स डील करती हैं एवरी डे, तो आप अपनी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? बहुत सारे मतलब पेशेंट्स जो हैं जो आते हैं, कुछ तो रूटीन फॉलोअप के लिए आते हैं, कुछ हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं उनकी फैमिली मेम्बर से. जैसे हस्बैंड ने कॉल किया कि मुझे लगता है कि शी इज़ नॉट राइट, यू नो, आप देखो, या फैमिली ने सजेस्ट किया. कोई रेगुलर नर्स फॉलोअप के लिए गई, जो भी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो डिलीवरी के बाद, है ना, तो उन्होंने हमको बताया. पर एजुकेशन की फिर भी बहुत ज़रूरत होती है. तो कुछ मैं ये कहूँगी कि फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट्स को खुद भी अवेयर होना चाहिए कि अगर वैसे साइंस नोटिस करते हैं तो वो कॉल करें, है ना. मतलब अगर वो खाना प्रॉपरली नहीं खा रहे हैं, आप देख रहे हैं वो प्रॉपरली सो भी नहीं पा रही है, वेट लॉस हो रहा है पर एकदम से रैपिड वेट लॉस नहीं होना चाहिए. हम खुश हो जाते हैं वेट लॉस हो रहा है, वंडरफुल, प्रेगनेंसी वेट गया, बट अगर वो रैपिडली लूज़ हो रहा है, दैट इज़ अनदर साइन कि वो मे बी शी इज़ डिप्रेस, वो प्रॉपर अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रख रही है. अगर एक्सेसिव क्राइंग है, एक्सेसिवली इमोशनल है, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है कि वो बेबी का ध्यान रख सकता है, वो एक कॉमन सीन होता है कि मैं अपने बच्चे को 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती है, मैं किसी को ट्रस्ट. दैट्स राइट. ये तो बल्कि बहुत कॉमन है. इट इज़ वेरी कॉमन बट एंड इट इज़ वेरी एक्सेसिवली इमोशनल. मतलब वो 2 मिनट के लिए अगर दूर हुए हैं तो उसमें उनको रोना आ रहा है. सो दीज आर ऑल द वार्निंग साइंस जो आप देख रहे हो. यू हैव नो इंटरेस्ट अपने आप में, यू नो, सारा दिन निकल गया, यू हैव डन नथिंग फॉर योर सेल्फ. सो अगर आप ऐसे साइंस देख रहे हैं तो आपको अपने जो भी आपका डॉक्टर है उनको एकदम से कंसल्ट करें. बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल के दौरान जब वो एडमिट होते हैं, डिप्रेशन स्क्रीन क्वेश्चनर्स होते हैं जो आप फिल करते हैं, उसके बेसिस पर वो फर्स्ट 2-3 डेज ऑफ आप वहाँ हॉस्पिटल में होते हैं, उसके घर जाने के बाद जब तक आप अपने प्रोवाइडर को दोबारा देख रहे हैं उससे पहले ये साइंस नोट करें. पर जब आते हैं डॉक्टर के बाद, कोशिश करें 2-3 हफ्ते में डॉक्टर को दिखाएं डिलीवरी के बाद, जो भी स्क्रीनिंग क्वेश्चनर है वो उधर फिल करें. अगर आपको लगता भी है, घर किसी ने कहा भी है, फ्रेंड ने, और ये नॉर्मल है, आप फील कर रहे हो, फिर भी आप एड्रेस करवाएं. तो यहाँ पर बात हो रही है बहुत अच्छे टॉपिक पर, लेकिन हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. कीप वॉचिंग द एनी खान शो. हम अपनी ज़िंदगी से भले खुश हो ना हो, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी ज़िंदगी के लिए तरसते हैं. मैं आपके सामने लाऊंगी कुछ खूबसूरत बातें और दिखाऊंगी कुछ मुश्किलात जिनके बाद मिली बहुत सारी खुशियाँ. Investments, you guys are awesome.